गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं छठवीं कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको गणित विषय के अंतर्गत एक नए लेसन 7 हिंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास। सुभाष नाम का एक लड़का है, वह कक्षा 4 और 5 में हिंदों के बारे में कुछ सीखा था, किंतु वे विश्वस्त नहीं। वह हमेशा हिंदों का प्रयोग करता रहता था और भिन्नों के प्रयोग में निरंतर प्रश्न करता रहता था। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि वह घर से अपना लंच लाना भूल गया। तब फरीदा ने उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहा। फरीदा अपने लंच बॉक्स में 5 पूड़ियां लाई थी, तो पहले उसने 2 पूड़ियां सुभाष को दे दी और 2 पूड़ियां स्वयं ले लिया। जो 5वीं पूड़ी बची तो उसको उसने आधी कर दिया। जो 5वीं पूड़ी थी उसे उसने आधी कर दिया और आधी आधी दे दिया। इस तरह से इसके लिए भिन्न बन गई 2 प्लस 8 बराबर हो गई 50। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों में भिन्नों का सामना करना पड़ता है। सुभाष जानता था कि एक आधे को एक आधे को हम 1/2 लिखते हैं। खाते समय सुभाष ने अपनी आधी पूरी को पुनः 2 बराबर भागों में बांट दिया। इस तरह से तब खरीदा ने भी अपने आदमी के 2 बराबर भाग कर दिए। और वे 4 टुकड़े करके रख दिया, तो इसका 1 भाग हमारा 1/4 या 1/4 फैलाया। अगर हम इन 4 टुकड़ों को एक में मिला दें तो ये हमारा 4/4 यानी 1 पूरा हो जाता है। यदि हम
यही कहने से तुम को एक साथ ले तो हमारा ये तीन बटा चार कर रहा है। यदि चार टुकड़ों में से यदि हम ये तीन टुकड़े ले लें तो ये हमारा तीन बटा चार कहलाएगा, यानी कि इसे हम तीन चौथाई करते हैं। तो इस तरह से हम भिन्न की अवधारणा को समझ सकते हैं, या हम दूसरी भाषा में ये कहें तो मान लीजिए ये सात भाग हैं, सात में अगर हम किसी तीन भाग को ले लेते हैं तो हमारी भिन्न यहाँ पर तीन बटा सात संख्या है। तो आपको ये समझना है कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या है? भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है या पूर्ण की अभिन्न वस्तु हो सकती है। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है या पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है, बशर्ते वे सभी भाग बराबर होने चाहिए। पहले का तात्पर्य हमारा ये है, यदि हमारे पास कोई छेद है और इसको मान लो हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है तो उसका एक भाग भी एक बटा दो कहलाता है। यही हमारे कहने का तात्पर्य है कि भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, माने एक पूरे का भाग। जैसे इसका हमने आधा भाग दिया तो ये हमारी आधा माने एक बटा दो भिन्न को निरूपित करती है। क्या पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है या वस्तुओं का समूह हो सकता है? अब आपको भिन्न में ये देखना है कि जैसे ये एक बटा दो लिखा है तो एक बटा दो में एक को हम अंश कहते हैं और दो को मान कहते हैं, या इंग्लिश में अंश को हम न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। हर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, या हम दूसरी भाषा में समझना चाहें तो हम भिन्न को इस तरह से भी कह सकते हैं, जो संख्याएं
आंसवहर के रूप में लिखी होती हैं। जो संख्याएं अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं, जिसका हर शून्य ना हो और अंश और हर एक प्रकट संख्या हो, भिन्न कहलाती है। प्रकट संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए भिन्न भी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। भिन्न सदैव धनात्मक होती है। तो इसके साथ ही प्रश्नावली 7.1 है, जिसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो उनके छायांकित भाग को कह रहा है भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए हम कैसे चित्र बना हुआ है और मान लीजिए इसके ये भाग छायांकित हैं, तो इसके लिए भाग भिन्न हमारी क्या बनेगी? छायांकित भाग हमारे अंश हो जाएंगे और कुल भाग हर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे छायांकित भाग के लिए भिन्न बनेगी 2/4। इसी तरह चित्र और है, मान लीजिए सभी छायांकित हैं, तो इसके लिए हमारी भिन्न बनेगी 7/8/9, क्योंकि इसकी 8 भाग कुल भाग है, 9 छायांकित भाग है हमारे। देखिए समूह है वस्तुओं का, मान लीजिए गोल्ड का समूह है, तो इसके लिए भिन्न हमारी 4/8 बनेगी। इसी तरह एक हमारा जो गोल्ड है, मान लीजिए इस तरह से दिखा रहा है छायांकित भाग, तो इसके लिए भिन्न हमारी 1/4 बनेगी, क्योंकि छायांकित भाग है 1 और कुल भाग है 4। एक मान लीजिए चित्र दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारी भिन्न बनेगी 3/7।
पूर्ण भाग ऐसा और छायांकित भाग युक्ति। छायांकित भाग को हम अंश के रूप में लिखेंगे और कुल भागों को हम हर के रूप में लिखेंगे। इसी तरह इसका दूसरा है कुछ चित्र बने हैं और उनके नीचे भिन्न लिखी हुई है, तो तीन भिन्न के अनुसार उनको छायांकित करना है, आप उसे कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए प्रेम हमारा ये दिया है और भिन्न है ये पता है, तो देखिए इसमें कुल भाग दिए हैं छह, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसका हमें एक भाग छायांकित करना है। समझ आ रहा है रीता? समझ आ रहा है? यस सर। आप लेके आइए, जैसे पूछ रहा है कि ये भिन्न सही है कि नहीं, जैसे ये दिया है और कह रहा है या एक बटा दो है, तो क्या ये एक बटा दो है या एक बटा दो नहीं है, क्योंकि इसके लिए दो भाग के गए दोनों भाग बराबर नहीं है। इसी तरह ये है एक बटा चार है, तो यह भी एक बटा चार नहीं है क्योंकि चारों भाग इसके समान नहीं है। जो हम भाग करते हैं प्रत्येक भाग समान होना चाहिए। चौथा नंबर है आठ घंटे एक दिन का कौन सी भिन्न है, आठ घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है। तो आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे कौन सा भाग होगा, एक दिन का भाग। तो देखिए 8 घंटे हमने लिया है और कुल घंटे होते हैं 24, ये हो गए 8 बटा 24, या इसको हम काट देंगे 1/3 भाग, माने 8 घंटे एक दिन का 1/3 भाग होगा। इसी तरह कह रहा है 40 मिनट एक घंटे का कौन सी भिन्न है, 40 मिनट एक घंटे का कौन सी भिन्न है। तो आप जानते हैं कि एक घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, तो 40 मिनट
एक घंटे का बाद हो जाएगा 40/7 या हम काट दें तो 0-0 कट जाएगा, 2×4 = 48 है, 2/3 भाग होगा 40 मिनट एक घंटे का 2/3 भाग होगा। सातवां सवाल देखिए, कंचन रसों को रखती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है। तो देखिए ड्रेसों की ड्रेसों का रंगा हुआ भाग, तो कुल ड्रेसें थी 30, उसने रंगी है 20, तो हो जाएगा रंगा हुआ भाग 20/3 यानी कि 2/3 भाग। आठवां देखिए, आठवां है 2 से 12 तक की प्रकट संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं की कौन से भिन्न हैं। 2 से 12 तक में अभाज्य संख्याओं की भिन्न, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमने लिखा। अब आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है। माने ये आपको ध्यान देना है, अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से और एक से विभाजित हो। तो देखिए 2 1 से और 2 से कटेगी, 3 भी है, 5 है, 7 है, 11 है, ये ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो भिन्न अभाज्य संख्या की भिन्न बन जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसे समझ सकते हैं। अब आता है संख्या रेखा पर, कि हम संख्या रेखा पर रुक जाइए कैसे कर सकते हैं। मुझे मान दे यार, नहीं लाइट आएगी फिर। हेलो, क्या है? संख्या रेखा पर मान लीजिए हमें संख्या रेखा पर भिन्न दिखाना है, तो जैसे 1/2 है, ये 1/2 जो है इसे हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो आप जानते हैं कि 1/2 जो है वो 1 से कम है,
देखिए हम ये संख्या का बनाएंगे यहाँ जीरो और एक मान लो तो माने एक से कम है जीरो और एक के बीच में हम दो बराबर भाग करेंगे। इसका एक भाग जो है यहाँ हमारा एक बटा दो होगा। इस तरह से इसे हम संख्या के तौर पर दर्शाते हैं। या मान लो है तीन बटा चार, तीन बटा चार को दर्शाने के लिए जीरो और एक के बीच हम चार बराबर भाग करेंगे। ये तो जो इसका तीसरा भाग है वह हमारा तीन बटा चार को निरूपित करेगा। हम मान लेते हैं जैसे दो से ही तीन बटा पांच, तो इसे कैसे हम दर्शाएंगे? तो आप देखें तो दो सही माने दो तो यहाँ तक है पूरा और ये भिन्न पड़ेगी दो और तीन के बीच में। तो देखिए कुल भाग हम करेंगे पांच, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच। तो इसका जो तीसरा भाग है यहाँ ये हमारा दो सही तीन बटा पांच को दिखाएगा। इस तरह से हम भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसके बाद आता है भिन्नों की प्रकार। भिन्नों के प्रकार पहला है हमारा समभिन्न, या इसी को हम कहते हैं उचित भिन्न। तो देखिए समभिन्न या उचित भिन्न हम कई भिन्नों को कहते हैं। उपाभिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, जैसे दो बटा पांच, तीन बटा सात, चार बटा छह इत्यादि। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जो भिन्नों या जिन भिन्नों के अंश छोटे होते हैं और हर बड़े होते हैं तो उसे हम समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा है विषमभिन्न। विषम भिन्न में देखिए वह भिन्न इसका अंश हर के बराबर या उससे बड़ा बड़ा होता
जैसे मान लीजिए 5/5 है, तो यहाँ अंश और हर बराबर है, तो इसलिए इसे हम विषम गणन करेंगे। या मान लीजिए 7/3, यहाँ पे अंश हमारा बड़ा है हर छोटा है, फिर अब विषम गणन लगाएंगे। 5/2 ये भी हमारी विषम गणन कहलाएगी। कहने का मतलब जिन भिन्नों के अंश और हर बराबर हो या अंश बड़ा हो उन्हें हम विषम भिन्न कहते हैं। तीसरा है मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब जिसमें पूर्णांक और अपूर्णांक से मिलकर पानी भिन्न पूर्णांक और अपूर्णांक से मिलकर बने भिन्न को हम मिश्र गण कहते हैं। जैसे 2 से 1/2, 5 से 3/5 इत्यादि। यहाँ पर 2 हमारा पूर्णांक है और 1/3 अपूर्णांक है। कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्णांक और अपूर्णांक से मिलकर जो भिन्न बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब यहां पर आता है कि हम संभिन्न को कुछ नहीं कर सकते। संभिन्न हमारी किसी तरह से रहती है, उसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, देखिए हम कैसे बदलते हैं। जैसे मान लिया हमने लिया था 2 से 1/3, तो देखिए हम इसे कैसे बदलेंगे। इसका हम पूर्णांक गुणे हर पूर्णांक गुणे हर धन अंश बटा हर। अब देखिए ध्यान दीजिए कि पूर्णांक हमारा है वो गुणे हर 3 धन 1 बटा हर 3। तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 6 6 में 1 7/3। तो इस तरह से हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे हमने लिया था 5 से 3/5, तो पूर्णांक है हमारा 5, हर है 5, 5 × 5 धन अंश 3 बटा हर 5, ये हो जाएगा 5 × 25 = 28/5। माने हर भाव वही रहता है, हर अपरिवर्तित होता है, माने हर को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसी तरह से
मिश्र खंड को विषम खंड को हमने सॉरी यह हमारा था मिश्र खंड को विषम खंड में बदलना। ये जो था कि हम मिश्र खंड को विषम खंड में किस तरह से बदलते हैं। अब है विषम खंड को मिश्र खंड में बदलना। देखिए हमारे विषम खंड जैसे सात हटा तीन है तो इसको हम कैसे बदलेंगे? तो हम सात में तीन का भाग दे देंगे, तीन दूनी छह, एक शेष बचा। तो कहने का मतलब भागफल ऊपर हमारा शेष और नीचे भाजक। तो भागफल देखिए हमारा आया है दो, शेष है एक और भाजक है हमारा तीन। तो दो से एक बटा तीन। तो ये हमने विषम खंड को मिश्र खंड में बदल दिया। इस तरह से आप मिश्र खंड को विषम खंड में बदल सकते हैं और विषम खंड को मिश्र खंड में बदल सकते हैं, किंतु हम सम खंड को कुछ नहीं कर सकते हैं। सम खंड हमारी ज्यामितियों रहती है। इसके बाद हमारी प्रश्नों वाले 7.2 बात की है। 7.2 में हमें पहला सवाल है संख्या रेखा कीजिए और कौन पर निम्नलिखित खंडों को बिंदु के रूप में निरूपित कीजिए। तो जो हमारी समखंड होती है ये सदैव एक से छोटी होती है और विषम खंड एक से बड़ी होती है या बराबर होती है। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं हम प्रश्नावली 7.2 का। यहाँ पर संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित खंडों को बिंदु रूप में दर्शाइए। जैसे पहला है एक बटा दो, एक बटा चार, तीन बटा चार और चार बटा चार। तो देखिए हम संख्या रेखा खींच देंगे, ये जीरो है, ये एक है, ये दो। तो यहाँ समय बटा चार लगा है तो हम इसके बीच में चार भाग कर लेंगे, एक दो तीन चार। तो जो पहला भाग होगा एक बटा चार को दर्शाएगा, दूसरा भाग एक बटा दो को दर्शाएगा या दो बटा चार। तो दो बटा चार को जब काटेंगे तो एक बटा दो हो जाएगा, फिर तीन बटा चार को दिखाएगा और ये हमारा चार बटा चार माने एक को दर्शाएगा। दूसरा है मिश्रित
लेंगे आप कीजिए। मिश्रित रूप में लिखो, जैसे 20/3 है, इसे हमें मिश्रित रूप में लिखना है, तो हम 20 में 3 का भाग दे देंगे, 18 बचेगा 2, यानी कि पूर्णांक आ गया 6 सही, 6 से 2 ऊपर, और हर हमारा वही है ये। इस तरह से हम इसे बदल देंगे। और तीसरा है दिशा भिन्न में बदलो, जैसे 7 सही 3/4, हमने बताया था कि पूर्णांक गुणे हर अंशेष बटा हर, जो हो गया 728/4। इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। धन्यवाद, आज हम यही तक पढ़ाएंगे और घर में आपको प्रश्नावली 7.1 और 7.2 का रिवीजन करना है।